एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये थर्सडे इवनिंग का वीडियो है और शाम के टाइम इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, एकदम से जो है मौसम चेंज हो गया। और अभी देखिए आप वेदांश पार्क में दिख रहा होगा हाथ में फुटबॉल और बॉटल लिए। तो जब वो पार्क जा ही रहा था ना, उसी टाइम पर वो बोल के गया था कि अगर बारिश आ गई तो मैं अच्छे से जो है नहा के भीग के आऊँगा। ये क्या करके आया है? हाँ, और ये हाँ, ये दाग कौन निकालेगा? दाग अच्छे नहीं। कैसे धुलेंगे ये? तू गिर गया था बारिश में? हाँ। कैसे? बॉल ऐसे लेके खड़ा हुआ था। अच्छा, बॉल से गंदगी हो रही है। ये देखो बारिश हुई है और इसने पूरे मजे लिए हैं बारिश के। जा नहा ले अब, ठीक है? और वंशी का ना ऊपर से देख रही थी कि बारिश हो रही है लेकिन नहा नहीं पाई क्योंकि वो बना रही थी यहाँ पर चाय अपनी मम्मा के लिए। तो बस हम लोग अभी चाय वाय पी रहे हैं। और आज ये जो वंशिका ने ड्रेस पहनी है ना, ये मैंने इसके लिए मीशो से मंगवाई थी। कंफर्टेबल है? हाँ। वंशिका को ना ऐसे कपड़े ही पसंद आते हैं जो बिल्कुल ढीले ढीले से हो और एकदम कम्फर्टेबल हो। हाँ। और लंबी लगती है ऐसी ड्रेसेस में। और टाइम देखिए आप, टाइम हो गया है 7:15 होने वाले हैं। जो है ना श्याम की पूजा जो है वंशिका ने की है, और इससे पहले वो गणेश जी की आरती कर रही थी, उसके बाद वो यहाँ पर धुनी दे रही है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप इस मिट्टी के दिए में क्या क्या जलाते हैं, तो मैं कुछ ऐसा जलाती नहीं हूँ। मैं लुबान वाले दिए मिलते हैं और लुबान करके ही मिलते हैं, नाम ही उनका लुबान है। तो बस ये मंगा लीजिए और इसको इस मिट्टी के दिए में जला लीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरे घर में। और यहाँ पर देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब कि बारिश रुकी नहीं थी। 6:30 से ये 7:30 का टाइम होगा जबकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता दूँ कि मेरा जो स्किन टोन थी ना वो बहुत ज़्यादा अनइवन थी, जिसकी वजह से मेरा जो फेस है ना बहुत ज़्यादा डल लगता था। हमेशा से ही मैं चाह रही थी कि मेरा फेस जो है ना एकदम चमकदार रहे, बेदाग रहे और मेरी जो स्किन है ना वो इवन रहे। हमेशा से ही ना मैं एक ऐसे फेस वॉश की तलाश में थी जो कि मेरी स्किन को बहुत इजीली क्लीन करे और एक्सफोलिएट करे, ताकि मेरी त्वचा भी जो है ना बेदाग रहे, एकदम चमकदार रहे, मेरा स्किन टोन इवन हो जाए, जो मेरी ड्रीम स्किन पाने में मेरी हेल्प कर सके। मुझे मिला ममार्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश, जिसमें है मलबेरी की नेचुरल गुडनेस जो कि दाग धब्बों को कम करता है, और इसके साथ ही विटामिन सी जो कि इवन स्किन टोन और ग्लोइंग स्किन को प्रमोट करता है। और ये सब इंग्रेडिएंट ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन को इफेक्टिवली कम करने के लिए एक साथ काम करते हैं, जिससे कि मुझे मिलती है स्पॉटलेस, ग्लोइंग और इवन टोन स्किन। यह आपकी त्वचा की ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को भी कम करता है, आपको देता है इवन स्किन टोन। ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और जेंटली क्लीन करता है। ये मेड एंड सर्टिफाइड है। ममार्थ के सभी प्रोडक्ट नेचुरल हैं, मतलब कि इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। यह एक प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है। यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी स्किन को अच्छे से जो है क्लीन कर लिया है और अब मैं यूज़ करूँगी ममार्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम। तो अगर आप भी जो रिज़ल्ट है वो और ज़्यादा बेहतर चाहते हैं तो ममार्थ के फेस वॉश के साथ साथ ये जो सीरम है इसको भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इसे रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ना तो आपको मिलेगा 20% का ऑफ ममार्थ.in पर। ममार्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं ममार्थ की वेबसाइट पे, ममार्थ के ऐप पर और अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पर भी। और ममार्थ ने ना अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है जिस पर कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात, आप जब भी ममार्थ से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं ना तो ये आपके ऑर्डर के अगेंस्ट एक ट्री को जो है ना वो प्लांट करते हैं, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन और पिक्चर ये लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ममार्थ के ये जो प्रोडक्ट है ना ये ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, लेकिन अब ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपने नियर बाय स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट खरीदें ममार्थ का, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना ना भूलिएगा।
आज बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी शाम के टाइम, तो मैं मार्केट नहीं जा पाई। इस वजह से मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था, तो वो आ चुका है। आज मेरा मन था कि मैं बढ़िया सा वेज पुलाव बनाऊंगी सबके लिए, क्योंकि सुबह हस्बैंड भी खा के नहीं गए थे, तो फिर लगता है ना कि चलो शाम के टाइम कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया मंगाया था, बेसन, और ये जो सब्ज़ी होती है ना कटी हुई, वो मंगाई थी, साथ में सोया चंक्स मंगाए थे और पनीर। तो सबसे पहले जितनी भी सब्ज़ी थी इसको मैंने ना टोकरी में निकाल लिया है। ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, ये मिक्स वेज के हिसाब से कटी होती है, मतलब कि अगर हमको सब्ज़ी बनानी है, पुलाव के लिए थोड़ी सी बारीक सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसको मैं कट कर रही हूँ। तो गोभी के थोड़े बड़े बड़े पीस थे वो मैंने कट कर लिए हैं, और साथ में गाजर भी मैंने बारीक कट कर ली है, और थोड़ी सी गाजर जो है मैंने निकाल ली है। वो क्यों निकाली है आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और जब तक जो है मैं पुलाव के लिए तड़का वगैरह तैयार करूँगी, उससे पहले यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं चावल, और अच्छे से जो चावल है ना उनको वॉश करके मैं थोड़ी देर भीगने के लिए रख दूँगी। तो जब तक चावल भीगते रहेंगे, उतनी देर में जो पुलाव की और तैयारियाँ हैं वो मैं करूँगी। तो चावल भिगा दो ना पुलाव बनाने से पहले, तो बहुत अच्छा बनता है। पर मैंने ले लिए हैं 4 से 5 प्याज, छोटे छोटे थे इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेने पड़े, बड़े प्याज हो तो 2 में जो है काफ़ी होता है। उसको मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक जो है कट कर लिया है, और साथ में चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच घी, और पुलाव हम घी में ही बनाने वाले हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, साथ में तेज पत्ता डाला है, और कुछ मैंने लौंग डाली थी, और थोड़ी सी मैंने हींग ऐड की है। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें प्याज। अभी ना एक चीज़ की कमी थी मेरे पास, वो खड़े मसालों की कमी थी, जिसमें कि दालचीनी वगैरह होता है। तो कुछ तो थे मैंने डाल दिए थे, बाकी कुछ नहीं थे तो मैंने स्किप कर दिए, लेकिन अगर आप लोग बनाओगे तो ज़रूर डालना, उसका जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें काफ़ी सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी ऐड कर दिया है, फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टमाटर जो है बारीक कट कर लिए थे और उनको भी ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाला। तो सबसे पहले जो ड्राई मसाला है उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो टमाटर है ना ये अच्छे से गल नहीं जाता और ऑयल जो है इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखिए मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, लगातार मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मसाला मुझे ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। ढक के पकाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी जो है मसाला भून जाता है, और यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है सारा का सारा। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने वेजिटेबल्स कट करके रखी थी वो, तो इसमें ना गोभी, गाजर, बीन्स और मटर है, और थोड़ा सा पनीर भी मैंने कट कर लिया है क्योंकि मैं इसमें पनीर भी ऐड करने वाली हूँ। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच जो बिरयानी मसाला होता है वो भी ऐड कर रही हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, लेकिन मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि बहुत टेस्टी पुलाव बना था, मतलब जो बिरयानी मसाला की खुशबू होती है ना वो अलग ही होती है। सारे मसाले अच्छे से भूनने के बाद, सब्जियों को भूनने के बाद इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने चावल। चावल ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भिगा दिए थे इसलिए मैंने थोड़े से चावल, आधा कटोरी चावल होंगे वो बचा लिए हैं, उसका मैं कुछ और यूज़ करूँगी। तो फिलहाल मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और इसको भूनेंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक। तो ढक के भूना है 1 से 1.5 मिनट तक, उसके बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लिए हैं सारी चीज़ों को, और अब इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो पनीर मैंने वैसे तो 2 पैकेट मंगाए थे, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 1 पैकेट में से ना आधा ही मतलब कट करके डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पनीर ऐड नहीं कर रही हूँ मैं। और अब इसमें मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है, और बस अभी ढक के इसको 2 सीटी आने तक पकाएंगे, और यहाँ पर तब तक तैयार कर लेते हैं मिक्स वेज रायता। तो पुलाव के साथ ना मिक्स वेज वाला जो रायता होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने दही ले ली है 1 बाउल में, और अब जो है ना चॉपर में मैं चॉप करने वाली हूँ गाजर। आपको याद होगा मैंने सबसे पहले गाजर बचा ली थी, वो इसीलिए ही बचाई थी। यहाँ पर गाजर को मैं थोड़ा सा और कट कर रही हूँ ताकि आसानी से चॉप्ड हो जाए। उसके बाद मैं इसमें जो खीरा है ना वो भी चॉप्ड करके ही डालने वाली हूँ, आज इसे ग्रेट करके मैं नहीं डालूंगी। तो सबसे पहले इन 2 चीज़ों को अच्छे से चॉप्ड कर लिया है, और जो इसका क्रंची वाला टेस्ट आता है ना वो अच्छा लगता है मिक्स वेज रायते में। तो इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए, मोटा मोटा सा। और देखिए ये चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज, तो 2 प्याज भी मैं डालूँगी। अच्छा यहाँ पर ना टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्किप कर रही हूँ टमाटर, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो।
प्याज को भी मैंने मोटा मोटा सा ही चॉप किया है और बस इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये हमारा मिक्स वेज जो रायता है वो बस बन चुका है। अभी इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे काला नमक और साथ में इसमें भुना हुआ जो जीरा होता है उसका पाउडर। तो जीरा मैंने खुद ही तवे पे भून लिया था और उसको दरदरा पीस लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो हरा धनिया का जो टेस्ट आता है वो अच्छा तो आता ही है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने एक बार मिक्स कर दी है और अब इसे गार्निश कर देते हैं अच्छे से। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, हरा धनिया पाउडर और यहाँ पर मिक्स वेज रायता बनके हो गया है बिल्कुल रेडी। अच्छा, मिक्स वेज रायते में मैंने वो वाला नमक नहीं डाला है जो मैं मोस्टली डालती हूँ, वो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि इस वाले रायते में ये काले नमक का फ्लेवर ही अच्छा आता है। तक पुलाव बन रहा था और रायता बन रहा था उतनी देर में जो है मैंने ये थोड़े से बर्तन थे मेरे जो चाय के बर्तन थे और पुलाव बनाते समय इकट्ठा हुए थे वो वॉश कर लिए हैं ताकि आगे के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो। और उसके साथ ही मैंने जो गरम गरम कुकर था ना उसको दूसरे वाले बर्नर पर ट्रांसफ़र कर लिया है और तब मैं अपना जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर रही हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा सावधानी से ये सारी चीज़ें करती हूँ क्योंकि पर देखिए पुलाव बनके हो चुका है बिल्कुल रेडी और इतना मस्त बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल खिले खिले चावल, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसके ऊपर भी डाल दिया है। आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि फ्राइडे मॉर्निंग है और यहाँ पर मैं बच्चों की शर्ट में कर रही हूँ प्रेस। तो वैसे मैंने इनकी जो हाफ स्लीव्स की शर्ट होती है ना उसमें प्रेस की हुई थी, लेकिन ना स्कूल से मैसेज आया है कि अब बच्चों को ना फुल स्लीव्स की शर्ट और पैंट ही पहन के जानी है क्योंकि बरसात का टाइम है, मच्छरों का टाइम है, काफ़ी सारी बीमारियाँ जैसे डेंगू वगैरह वो फैल रहा है इस वजह से। तो बस इधर मैंने बच्चों के फटाफट से कपड़े प्रेस किए जिसमें सिर्फ शर्ट प्रेस करनी थी मुझे। और रात जब मैंने सामान मंगाया था तो जो पनीर था ना वो मैंने एक्स्ट्रा में मंगा लिया था क्योंकि सुबह मुझे पनीर के पराठे ही देने थे बच्चों को टिफ़िन में। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पनीर के पराठे बना रही हूँ, सिंपल सा। मतलब मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, आपको पता ही है बच्चों के लिए मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो ना नखरे दिखाते हैं कि हम नहीं खाएंगे, कोई कहेगा मुझे प्याज नहीं खाना, कोई कहेगा धनिया नहीं डालना। इस वजह से सिंपल से पराठे बनाती हूँ ताकि वो भी खुशी खुशी ले जा लें। तो जब तक यहाँ पर मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ ना उस बीच जो है वो अपना रेडी हो रहे हैं। जब तक मैं नाश्ता वगैरह उनका पैक करती हूँ इतनी देर में मैं वंशिका को बोल लेती हूँ कि अपने बाल वगैरह अच्छे से सुलझा लो। तो यहाँ पर अपने बाल सुलझा चुकी है वो, वैसे तो वो चोटी भी कर लेती है बट स्कूल के हिसाब से नहीं कर पाती। तो फिर यहाँ पर मैंने उनको नाश्ता दे दिया है कि चलो पहले तुम लोग अपना नाश्ता कर लो और उसके बाद मैं तुम्हारे बाल वगैरह बना दूँगी। और यहाँ पर बच्चे पनीर का पराठा ही खा के जा रहे हैं। तो ना स्कूल के लिए तो मैं उनके लिए बड़े बड़े से पराठे बनाती हूँ लेकिन जो वो घर में खा के जाते हैं ना वो मैं थोड़े छोटे छोटे से बनाती हूँ ताकि देखने में भी अच्छे लगे और वो जो है ना आसानी से खा लें, सुबह उनको ऐसा ना लगे कि हमें बहुत ज़्यादा खाना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर उनका नाश्ता हो चुका है, अब फटाफट से वंशिका के मैं बना दूंगी बाल और सबसे पहले वो निकल जाएगी क्योंकि आज फ्राइडे है ना तो उनको वही सेम जंक फूड डे होता है। तो मैंने टिफ़िन में तो उनके लिए जंक कुछ दिया नहीं है, तो वंशिका को पैसे दे दिए थे कि वो अपने लिए जूस ले और वेदांश के लिए भी। तो बाकी अब वो जो भी ले, मैंने उनको बोल दिया था कि ये तुम्हारी जो है पॉकेट मनी है, अभी जो भी लेना होगा तुम अपने हिसाब से ले लेना। और ये लेट लतीफ़ इसका पूरा स्कूल का टाइम हो गया है और ये टाइम टेबल अब देख रहा है कि मैंने जो है सारी चीज़ें सही से रखी है या नहीं रखी है। तो इसको ना बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसीलिए लास्ट टाइम मतलब स्कूल जाने से पहले ना ये अपना बैग एक बार ज़रूर चेक करता है। तो बस यहाँ पर बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए और इतने में मैं यहाँ पर जो है चाय बनाने लग गई हूँ क्योंकि हस्बैंड बोल के जाते हैं कि जब तक मैं आऊँगा तो चाय बना देना। और आज फ्राइडे है तो उनको ऑफिस नहीं जाना है तो आज हम सुबह आराम से बैठ के चाय वगैरह पियेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।